वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर-ए-सदारत वफाकी काबीना का इजलास 16 मार्च को होगा। इजलास का 16 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक इजलास में मुल्क की मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। नेशनल बुक फाउंडेशन के MD की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। सेनेट इंतखाबात और अपोजिशन के धरने पर भी मुशावरत होगी, जबकि इजलास में ममनुआ असले के लाइसेंस के इजरा की मंजूरी और चेयरमैन KPT के इजाफी चार्ज की मंजूरी मतवक्के है। सिंध इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी के CEO के इजाफी चार्ज की मंजूरी का इम्कान भी है। वफाकी काबीना गैस की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लेगी। इदारों के सरबराहान की खाली आसामियों पर तकरीरी की पेश रफ्त ब्रीफिंग एजेंडे में शामिल है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन की जानिब से काबीना को ब्रीफिंग दी जाएगी। नुकसान में जाने वाले सरकारी इदारों के फॉरेंसिक ऑडिट के बारे में पेश रफ्त से आगाह किया जाएगा, जबकि सोशल वेलफेयर फंड 2021 के इस्तेमाल के लिए रहनुमा असूलों की मंजूरी भी मतवक्के है। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का कहना है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए कानून तब्दील करने के लिए तैयार हैं, मगर अपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात के लिए तैयार नहीं। असद कैसर ने कहा कि अपोजिशन से पहले बात की थी, मगर वो ओपन बैलेट इंतखाबात के लिए नहीं माने। अब इन्हें तकलीफ हुई है तो चीखे मार रहे हैं। स्पीकर कौमी असेंबली का कहना था कि अगर अपोजिशन संजीदा हो तो हुकूमत इस्लाहात के लिए तैयार है। DIG साउथ जावेद अकबर रियाज और SSP CT सरफराज नवाज शेख की हिदायत पर DSP कलाकोट इरफान कोबरा और SHO चाकीवाड़ा अयूब सोमरो की कार्रवाई। डकैती में मुलविस मुलजिम प्यार अली को गिरफ्तार करके 30 बोर पिस्टल और 4 राउंड बरामद कर लिए। मुलजिम ने दौरान इंटरोगेशन इंकशाफ किया कि इसने अपने साथी मुलजिम राशिद के साथ मिलकर गुलिस्तान कॉलोनी से सज्जाद नामी शख्स से 59 लाख रुपए छीने और सज्जाद को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। मुलजिम के इंकशाफ पर मुलजिम राशिद को गिरफ्तार करके 56,93,000 रुपए बरामद कर लिए गए। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ थाना चाकीवाड़ा में मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश जारी है। हाईवेज के दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स की जानिब से शहर में आने वाली गाड़ियों की मॉनिटरिंग का अमल शुरू। जिला वेस्ट पुलिस की जानिब से भी यौम पाकिस्तान के मौके पर जिले के मुख्तलिफ मकामात पर 24 घंटे स्नैप चेकिंग का सिलसिला जारी। जिला वेस्ट पुलिस के मुताबिक स्नैप चेकिंग में जिला वेस्ट के तमाम SHOs, NGOs जवान अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं।